नमस्कार दोस्तों, मेरे ब्लॉग चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं कुंदरू की सब्ज़ी। कुंदरू आप बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे, ये पहाड़ी इलाकों में होती है और जंगली इलाकों में होती है। हमारे यहाँ जैसे यूपी में जंगल वगैरह है, वैसे हो जाती है। तो कुंदरू की सब्ज़ी बहुत ही सेहतमंद होती है दोस्तों। तो आज हम बना रहे हैं कुंदरू की सब्ज़ी और बिल्कुल ही कम मसालों में, बिल्कुल ही कुछ मैंने नहीं डाला, नमक और मिर्च के अलावा डालूंगी। तो आप पूरे ब्लॉग में बने रहिए, पूरी सब्ज़ी देखिए कैसे बनती है। कुंदरू बहुत ही टेस्टी और बहुत ही विटामिन्स होते हैं, सारी विटामिन्स उसमें होती हैं और सेहत के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। तो दोस्तों बने रहिएगा पूरे ब्लॉग में। तो दोस्तों ये मैं लेके आई थी, ये हमारे यहाँ पिनाट में तो मिलता ही नहीं है ये कुंदरू। तो जब भी मैं आगरा जाती हूँ तो कुछ नई सब्ज़ी जो होती है मुझे पसंद है वो लेके आती हूँ, क्योंकि मुझे अजीब टाइप की सब्ज़ी अच्छी लगती है। और रोज़मर्रा की तो यहाँ मिल जाती है, पर जो अलग से होती हैं वो कुंदरू है, कमल ककड़ी है, और एक और कद्दू टाइप में एक आता है, क्या बोलते हैं उसको, मुझे ध्यान नहीं है। तो वो ऐसी ऐसी चीज़ें जो नई होती हैं वो मैं आगरा जाती हूँ गौरव के साथ तो लेके आती हूँ। तो काफ़ी दिन हो गए थे, तो मेरे बच्चे हैं बड़े ही मतवाले हैं भैया, जो ऐसी ऐसी सब्ज़ी होती है वो नहीं खाते हैं, वो आलू टमाटर ही खाते हैं। तो मैं अपनी वजह से ये चाहे 250 ग्राम हो अपना कोशिश करती हूँ कि अकेले के हिसाब से बनाऊँ। तो 250 ग्राम कुंदरू हैं, और ये देखिए तेल थोड़ा सा मैंने सरसों का डाला है, और लोहे की कढ़ाई में ही दोस्तों मैं हमेशा बनाती हूँ, क्योंकि लोहे की सब्ज़ी जो होती है लोहे में तो उसमें आयरन भरपूर मिल जाता है और आपको आयरन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मैंने डाली है 1 पंच हींग थोड़ी सी ही, और मेरा ज़्यादा नहीं है सब्ज़ी तो उसके हिसाब से मैंने ऑयल डाला हुआ है। और हम जो तेल है हमेशा सरसों का ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि सरसों के तेल से नीचे मुझे कोई चीज़ नहीं लगती, सरसों का तेल बेस्ट लगता है, बेस्ट ऑफ बेस्ट। तो प्याज भी डाल दिए हैं मैंने, और प्याज को भुनने देंगे, और जो हमारे वो मिर्च है वो थोड़ी देर में डालूंगी, क्योंकि वो चटक जाएगी तो मुंह पे भी आ जाती है कभी कभी उसकी जो बीज हैं वो। तो अब डाल देंगे हम इसमें मिर्च, तो 2 मिर्च ली है मैंने छोटी छोटी सी, और लहसुन लिया है वो भी छोटा छोटा काट लिया है, और सुनहरा होने तक इसको भी भून लेंगे अच्छे से। ये देखिए भुन गया है, और एकदम ऐसे मतलब बिल्कुल ही काला नहीं करना है, काले कर देंगे तो बेकार लगता है। और थोड़ी सी इसमें डालेंगे हल्दी आधी चम्मच, और इसको भी थोड़ा सा फ्राई कर देंगे, जिससे जो है हल्दी की जो कच्चापन होता है वो ख़त्म हो जाता है और फ्राई हो जाती है। अब इसमें डाल देंगे हम कुंदरू को, और अभी मैंने कोई और ज़्यादा मसाले ऐड नहीं किए हैं। और दोस्तों मैं हर सब्ज़ी में आपसे कहती हूँ कि ज़्यादा मसाले खाना कोई सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है, मसाले हमेशा ही कम इस्तेमाल करें, और कम इस्तेमाल करेंगे उतनी ही हमारी जो सब्ज़ी है वो टेस्टी बनती है। और ज़्यादा मसाले से, गरम मसाले से सब जो बेस्वाद सा हो जाता है, ज़रूरत है हाँ जिस चीज़ की, जैसे हमें गरम मसाले में की ज़रूरत है किसी सब्ज़ी में तो उसी में डालें। हर एक चीज़ में डालने से क्या होता है कि उसका जो स्वाद होता है ख़त्म हो जाता है। तो मैंने आधी चम्मच देखिए कुटी हुई लाल मिर्च ली है, जो हम घर पर ही बनाते हैं, बाज़ार से हम जो मिर्च है धनिया है वो नहीं लाते, घर पे ही कूट पीस के तैयार मसाले कर लेते हैं दोस्तों। ये है सेंधा नमक, सेंधा ही नमक हम खाते हैं हमेशा, क्योंकि ये जो वाइट नमक होता है टाटा नमक, वो एक तरह से हमारे जो शरीर है, किडनी है और लीवर है उसको डैमेज करता है, तो इसकी वजह से हम सेंधा नमक ही इस्तेमाल करते हैं। और देखिए अब इसको भी मैंने फ्राई कर दिया है बहुत ही अच्छी तरीके से, और फ्राई थोड़ी सी देर करेंगे इसको, पानी नहीं डालूंगी मैं,
ये थोड़ी सी सौंफ है, खड़ी सौंफ है दोस्तों, मैं इसमें इस्तेमाल करूँगी पीस के नहीं। तो इसके जो जो फ्लेवर है बड़ा ही सुंदर आएगा, बड़ा टेस्टी आएगा खाने में, अच्छा लगेगा। तो देखिए मैंने इसको भी ऐड कर दिया है, थोड़ी सी सौंफ है आधा चम्मच। और आप भी कुंदरू ला के देखिए और ऐसे सिर्फ बना के देखिए और फिर चावल से और रोटी से खा के देखिए दोस्तों, बड़ी ही अच्छी लगती है। तो वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और भैया मेरे वीडियो बड़े ज़रूर खाइएगा, बना के देखिएगा कैसे बनती है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे। सावन के सोमवार की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएँ।